सभी बच्चों का कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं, कल जो पाठ पढ़ रहे थे उसी पाठ का नंबर 2 पढ़ेंगे, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि ऊर्जा के स्रोत पाठ जो है हमारा, और ये अध्याय नंबर 14 है। आज इसका पढ़ेंगे पाठ नंबर 2। तो जितने भी बच्चे लाइव नहीं आए हैं वो बच्चे सभी लोग लाइव आ जाएँ, तब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चूँकि क्वेश्चन तो कुछ कमी होते हैं, 10 ही क्वेश्चन होते हैं लगभग, लेकिन उनके बारे में पूरी जानकारी भी बतानी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है, कि नाभिक ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो मैंने इसके पहले बता दिया है कि नाभिक के विखंडन या फिर संलयन, ठीक है, के फलस्वरूप जो एनर्जी प्राप्त होती है वो हमारी क्या कहलाती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ये चीज़ सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, नाभिकीय संलयन कब होगा, जब हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे तो वहाँ पर नाभिकीय संलयन होगा। जब एक भारी नाभिक टूट करके हल्के नाभिक में कन्वर्ट हो जाएगा या हल्के परमाणु में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ पर नाभिकीय विखंडन होता है, और दोनों के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई पूछता है कि किसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा मिलती है, तो नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि यूरेनियम के 2 समस्थानिक के नाम व, ठीक है, संकेत लिखिए, नाम और संकेत लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं, एक होता है, ठीक है, एक होता है हमारा 235, इसको बोला जाता है 92U235। ये 92 उसका परमाणु क्रमांक होता है और 235 उसका परमाणु भार होता है। ठीक है, और समस्थानिक का मतलब मैंने कल बता ही दिया था आप सभी लोगों को कि परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। ठीक है, अगला क्या है हमारा, हो जाएगा यूरेनियम 238 हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक होता है 92, यानी परमाणु क्रमांक तो सेम ही है लेकिन परमाणु भार इसका 235 है, इसका 238 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो हमने आपको कल बता ही दिया था, ठीक है, सूर्य में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का संलयन। ठीक है, ये याद रखिएगा सभी लोग। अब अगला क्या है कि नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन का नाम बताइए, कौन सा ईंधन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है यूरेनियम 235, ठीक है, या इसको बोलते हैं लोग 92U235 बोला जाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं कि U235 के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। ठीक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं ये भी समझ लीजिए, ये परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं और परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जब कक्षा 9 में आप सभी लोग को पढ़ाया गया था तो उसमें बताया ही गया था कि जो हमारा परमाणु होता है वो 3 कणों से मिल करके बना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है और परमाणु के बीच में एक धनावेश होता है जिसमें प्रोटॉन पाया जाता है और प्रोटॉन के अंदर हमारे क्या होता है न्यूट्रॉनों के साथ में पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है बॉटम कक्षा में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो वृत्ताकार मार्ग पर गति करता रहता है। ठीक है, एक चीज़ ये चीज़ सभी लोग को कक्षा 9 में बता दिया गया था। अब वही चीज़ है कि यहाँ पर जो यूरेनियम 235 होता है कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने पाए जाते हैं ये चीज़ देख लेते हैं। और हमने एक चीज़ आप लोग को कक्षा 9 में बताया था, जो प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लें कि यूरेनियम ये 0 नहीं लिखा हुआ, यू लिखा हुआ है कि 92 यूरेनियम 235 के नाभिक में। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि 92 यूरेनियम यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, आप लोग सही कर लीजिएगा कि 92 यूरेनियम 235 के नाभिक में प्रोटॉन जो होते हैं वो 92 होते हैं। ठीक है, 92 प्रोटॉन होते हैं। एक याद रखिएगा, ये जो 235 हैं ये परमाणु भार होता है। ठीक है, परमाणु भार होता है और परमाणु भार में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। तो अगर जैसे हमको प्रोटॉनों की संख्या मालूम हो गई है 92, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या 92 चूँकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन जितने परमाणु क्रमांक वही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उतने ही ज़्यादा उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर बराबर हैं तो 92 हमको एक संख्या मालूम चली और कुल संख्या है 235। ठीक है, अगर हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, परमाणु भार से प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा देंगे। 235 से अगर 92 को हटा दिया जाएगा तो 143 निकल के आ जाएगा जो कि न्यूट्रॉनों की संख्या है। ये चीज़ सभी को समझ में आ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। अगर कोई को क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जो है
नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है, आप लोग वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर अभी आप लोग चैट भी चल रहा है, लाइव चैट भी है, वहाँ पर आप लोग जा करके इसके नीचे लिखा बना हुआ है, आप लोग वहाँ से जा करके अपना चैट भी कमेंट भी डाल सकते हैं। लाइव कमेंट भी होता है, जो लाइव सेक्शन होता है उसमें कमेंट भी होता है, तो आप लोग कमेंट भी डाल सकते हैं। अगर आपको पुरानी वीडियो चाहिए, अगर आपने ये पहली बार वीडियो देखा है, पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो के लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पर जा करके, ठीक है। और ऊपर आई बटन पर, आई बटन से भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, प्रश्न 16 है कि परमाणु बम व हाइड्रोजन बम में होने वाली क्रियाओं के नाम लिखिए। यानी परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में कौन 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 सी क्रिया होती है, तो ये चीज़ जान लेते हैं कि परमाणु बम में जो है होता है वो नाभिकीय विखंडन होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, और ये कभी कभी पेपर में भी आ जाता है, और जितने भी पेपर होते हैं कक्षा 10 और कक्षा 9 छोटी क्लास में भी आ जाता है, 9 और 10 में, 11 12 में पूछा जाता है ये, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्या है कि परमाणु बम जो होता है उसमें नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन होता है, तो इसीलिए क्या होता है, तो दोनों में ही अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया मतलब असीमित होती है, ये रुकने का नाम नहीं लेती है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इन दोनों में पूछता है कि परमाणु बम सबसे खतरनाक होता है या हाइड्रोजन बम सबसे खतरनाक होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बम सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन से ही परमाणु बम या फिर एक परमाणु या परमाणु बम बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हाइड्रोजन बम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बम होता है ये, इसमें जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है विखंडन से, नाभिकीय विखंडन से, चूँकि संलयन के फलस्वरूप अधिक मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है, ना कि नाभिकीय विखंडन में अधिक मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा सबसे खतरनाक बम हाइड्रोजन बम होता है, जो कि सभी देशों के पास में है, लेकिन अभी इसका कभी यूज नहीं किया गया है। और एक चीज़ मालूम है कि परमाणु बम का यूज किया गया था जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में। किसने छोड़ा था, तो अमेरिका ने छोड़ा था, ये याद रखिएगा, ठीक है। आज के बाद में इसका यूज नहीं किया गया है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, इसलिए इनका यूज नहीं किया जाता है, चूँकि ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं और वातावरण में हमेशा बने रहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17 नंबर है कि नाभिकीय संलयन में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज़ मालूम है, ऊर्जा का स्रोत बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, वही बनकर के क्वेश्चन आ रहे हैं कि स्रोत में हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक जो ड्यूटेरियम का यूज़ किया जाता है, और ड्यूटेरियम का फार्मूला क्या था, 1H2, ठीक है, 1:2, यानी एक परमाणु क्रमांक होता है और दो परमाणु भार होता है, ठीक है। क्वेश्चन में अगला देख लेते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त मंदक का नाम लिखिए, ठीक है। तो मंदक का मतलब क्या होता है कि अब जैसे नाभिकीय कोई भट्टी लगाई गई, उसमें कोई भी जो नाभिकीय यानी कि जो मान के चलिए कोई भी पदार्थ हमने उसमें डाल दिया है, जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उसको उसमें डाल, जैसे यूरेनियम या ड्यूटेरियम, ठीक है, या फिर इसमें जैसे आ गया हमारा जैसे यूरेनियम का अगर उसमें डाल दिया गया, ठीक है, अब क्या होगा, वो हमेशा के लिए स्टार्ट ही रहेगा, क्योंकि मालूम है संलयन से विखंडन, विखंडन से संलयन, संलयन से विखंडन, ये हमेशा क्रिया होती रहेगी। अब उसको रोकने के लिए एक मंदक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मंदक हमारा होता है, उसको बोला जाता है भारी जल, क्योंकि उसमें डाल दिया जाता है D2O, इसका फार्मूला होता है D2O, ठीक है। अगर इसको डाल दिया जाएगा, या फिर इसको ग्रेफाइट भी बोला जाता है, अगर इसको डाल देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो मतलब उसकी जो रिएक्शन होगी वो कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, ठीक है, इसी को बोला जाता है मंदक, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 92U238, ठीक है, यहाँ पर यू रहेगा, ओ की जगह पे, जीरो की जगह पे हमारा यू रहेगा, तो 92U238 से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या होता है। तो 92U238 का मतलब होता है यूरेनियम का हुआ समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक जिसके नाभिक में 92 प्रोटॉन हो लेकिन 146 न्यूट्रॉन हो, ठीक है, 146 न्यूट्रॉन हो, तो हमारा क्या होता है, क्या होता है, 92U238 का मतलब होता है, ठीक है। इसके पहले हमने आप लोगों को बताया था, अगर 3 घटा देंगे यहाँ पर तो 143 निकल के आ जाएगा, जो कि 92U235 का होता है, और ये हमारा किसका हो जाएगा, 92U238 का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाभिकीय विखंडन क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंत में क्वेश्चन भी बन के आ गया है कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो नाभिक विखंडन, ठीक है, होता क्या, एक भारी नाभिक पर मंदक न्यूट्रॉनों की बमबारी करने पर, ठीक है, लगभग समान आकार के दो हल्के नाभिकों में टूटने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। इस क्रिया में अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है,
असीमित ऊर्जा के भंडार हैं। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा भी कहा जाता है। प्रायः नाभिक संलयन एवं जो है नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा जो असीमित ऊर्जा के भंडार होते हैं, ठीक है, उनमें अगर हमारा नाभिकीय संलयन या विखंडन की बात करें तो दोनों में अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। ठीक है, तो यह था आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने बच्चों को अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा या फिर हमारे अपने ग्रुप पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपके दिक्कत को सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, अब मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। और एक चीज़ याद रखिएगा, जाते जाते भी बता दूँ आप लोग को, ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी लोग को, ये इसको कॉपी पर आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है परीक्षा के दृष्टि से। क्योंकि अब देखिए, आप लोग को ये मालूम है कि 15 अगस्त के बाद में क्लासेस चालू हो पाएंगी, वो भी हो पाएँ या ना हो पाएँ, लेकिन अभी तक कमिटमेंट में यही आया है कि 15 अगस्त के बाद में ही क्लास चालू हो सकती हैं। तो सभी लोग याद रखिए, अब घर पर बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए और एक दूसरे से मिले ना, या जो भी जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पर ना जाएँ, चूँकि आपको नुकसान पहुँच सकती है, और घर पर रहकर के ही जानकारी प्राप्त करें, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, ठीक है, और आपकी पढ़ाई नहीं चल पा रही थी, इसलिए तो हमने जो है कोशिश किया है लाइव क्लास लाने का। तो शाम को, प्रत्येक शाम 8 बजे आप सब लोग लाइव आ जाइएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी क्लास के स्टूडेंट थे, उन सभी को वीडियो को शेयर कर दें, कि अगले दिन अगर आज नहीं आ पाए हैं तो अगले दिन शाम को 8 बजे ज़रूर से ज़रूर आ जाएं। ठीक है, तो आपका आज का काम यही रहेगा कि जितना भी हमने पढ़ाया है इन सभी को याद करना और अपनी कॉपी में नोट करके शेयर करना। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।